नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जितने भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको ये वृद्धि चार्ट भरने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन सब आंगनबाड़ी बहनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए ताकि जो भी मैं इसमें बताऊं आप सबको समझ में आए। तो आप लोगों को समझना है इसमें कि वृद्धि चार्ट आखिर में होता क्या है। तो वृद्धि चार्ट है एक बच्चे की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि भरपूर भोजन, अच्छा पोषण और बीमारी का ना होना, ये वृद्धि चार्ट ये दर्शाता है। तो ये बातें आप लोगों को नोटिस कर लेना चाहिए। और मैं ये ग्राफ समझाने वाला हूँ कि आखिर में ये ग्राफ है क्या, कैसे इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जन्म, जो कि एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष और पाँच वर्ष, एक से लेकर पाँच वर्ष तक जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करना होता है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है भार किलोग्राम, यहाँ पे है ये केजी, जो कि वहाँ यहाँ वजन भरते हैं उसको इस ग्रेड में रखेंगे। और आइए समझ लेते हैं कि इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग नाम लिखेंगे, जो भी बच्चे हैं उन बच्चा जन्म लिया है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे संध्या कुमारी है और पिता का नाम श्रीराम पंडित, माता का नाम रीमा देवी। और पारिवारिक सर्वेक्षण पंजीकरण संख्या जो कि 093 है। तो आप लोग के रजिस्टर में जो भी सर्वेक्षण पंजी है उसमें पंजीकरण संख्या है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। और जन्म के समय बच्चे का वजन कितना है उसको यहाँ पर भी नोट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 किलो 700 ग्राम का जो बच्चा जन्म लिया उसका यहाँ पे वजन हो गया। और ये जो रेखाएं दिख रही है ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये तीन रेखाएं जो आपको दिख रही है ये ग्रेड हैं। तो इस ग्रेड को हम लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छा ग्रेड है। और बीच वाले येलो बोलते हैं थोड़ा सा वो बच्चा कुपोषित माना जाता है इस वाले ग्रेड में अगर बच्चा आता है। और जो नीचे वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें आप समझिए कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही कुपोषित है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तो ग्राफ हो गया। और बच्चे को कैसे मेंटेन करना है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है, दिखाई दे रहा होगा जन्म की तिथि। तो जन्म की तिथि यहाँ पे जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ वो यहाँ पे तिथि डाल देंगे। और उसके बाद वही तिथि जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चा जन्म लिया 27/11/2016 को, तो यहाँ पे 27 डेट ना डालकर यहाँ पर केवल मंथ और ईयर यानी कि साल, महीना और साल यहाँ पे केवल डाल देंगे। तो यहाँ पे ये डाल दिए। और उसके बाद बच्चे का वजन कितना है तो 2 किलो 700 ग्राम। तो यहाँ पे 1 किलो और 2 किलो ये 500 ग्राम का निशान है। और वहीं पर थोड़ा सा 2 लाइन और आगे बढ़ेंगे तो ग्राम में आएगा, तो 500, 600, 700 ग्राम। तो इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। ये जितना भी 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है ये केजी है। और उसके बीच में जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा निशान दिखाई दे रहा होगा आप लोग के रजिस्टर में, तो उसको हम लोग मानते हैं आधा केजी यानी कि हाफ केजी। और उसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है जो कि उसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग भी मेंटेन कीजिएगा। और उसके बाद फिर अगले महीने उस बच्चे का वजन करेंगे। तो 11/12/12 महीना 2016 उस टाइम वजन करेंगे। तो उस टाइम वजन करेंगे तो उस बच्चे का देखेंगे कि वजन बढ़ा है या घटा है। अगर बढ़ जाता है वजन तो बहुत ही अच्छा है। तो कितना बढ़ा है तो मान लीजिए यहाँ पे 2 किलो 700 ग्राम है, तो यहाँ पे 3 किलो 100 ग्राम इसका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसको यहाँ पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही करके आप लोग हर एक मंथ बच्चे का वजन करेंगे और जितना भी वजन आता है उसके सामने यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो आप लोगों को 3 साल तक लगातार बच्चे को प्रतिमा वजन करना है। तो मैं बता दूं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 6 माह तक प्रति एक बच्चे का वजन कम लगभग 600 से 800 ग्राम तक प्रति माह बढ़ता है। और 7 माह से 12 माह तक जो उसका 300 से 400 ग्राम प्रति माह वजन बढ़ जाता है। और वैसे ही 1 साल से 3 साल तक के बच्चे का वजन 150 से 200 ग्राम बढ़ता है। तो मान
बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। और एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर आप लोग हर महीने बच्चे का वजन करते हैं और बच्चे का वजन यहाँ पे इसका बच्चे का वजन आता है जितना भी किलो भी होता है, और उसका हर एक माह अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है तो मान लीजिए नेक्स्ट मंथ भी उतना ही वजन है, फिर उसके बाद दूसरे मंथ तीसरे मंथ में भी उतना ही वजन है, तो इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो बच्चे के उम्र के साथ साथ वजन अगर नहीं बढ़ता है तो वो बच्चा अल्प वजन के रूप में माना जाएगा। तो देख सकते हैं 3 किलो है। और मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा यहाँ से उसका हर मंथ हम लोग वजन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साल भर तक उसका वजन ठीक रहा और साल भर के बाद उसका वजन में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए यहाँ तक तो साल भर हो गया, साल भर के बाद थोड़ा सा उसका वजन कम हुआ, फिर ऐसे करते 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 अगर बच्चा कुपोषण यहाँ इस ग्रेड में आ जाता है तो उसको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग तो मान लीजिए कि हर महीना उसका वजन करते हैं तो कुपोषण वाले एरिया में आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे उसका वजन धीरे धीरे घटकर कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 15 दिन पर यानी कि महीना में उसका 2 बार वजन करना है। तो उस बच्चे को ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके माँ से मिलना है और उसको अच्छी सलाह देना है कि बच्चे को ज़्यादा खान पान पर ध्यान दे और उसे अच्छा पौष्टिक भोजन कराएं ताकि बच्चे का ग्रोथ फिर से वजन बढ़ जाए। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो और एक बात, उसके बाद अगर 3 साल के बाद जो बच्चा का वजन करेंगे तो यहाँ पे जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वही डेट लिखेंगे 11, यहाँ पे देख सकते हैं कि 11/16 को बच्चा जन्म लिया था और 3 साल होते होते 11/2019 हो गया, तो यहाँ पे 11/2019 लिख देंगे। और उसके बाद उस बच्चे का वजन करेंगे तो उस बच्चे का वजन कितना है जितना होगा, अगर मान लीजिए कि उसका वजन बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, और बाय द वे अगर किसी बच्चे का वजन इसके पार भी चला जाता है तो उसका भी वजन अच्छा ही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद 3 साल के बाद बच्चे का वजन हम लोग कितने महीने पे करते हैं उसका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे 3 महीने का अंतराल देना है उस बच्चे को, 3 साल का जब हो जाएगा तो 3 महीने के अंतराल के बाद उस बच्चे का वजन करेंगे। तो यहाँ पे 11/2019 को हो गया है 3 साल, तो उसके बाद यहाँ से जोड़ेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च में उसका वजन करेंगे और मार्च में उसका वजन करके देखेंगे कि उसका वजन कितना हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने बच्चे का पे रजिस्टर बना सकती हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताया है और जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप लोगों को ये वृद्धि चार्ट भरने में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें और साथ में चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसी प्रकार के जितने भी सारे वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।